राजधानी के वार्ड 40 से मसरत बाबू मस्तान निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। पहले उन्हें भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनके आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए ऐन वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया, जिसके बाद मसरत बाबू मस्तान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनका चुनाव चिन्ह कैमरा है। उन्होंने पूरे क्षेत्र का जनसंपर्क करने के बाद रोड शो निकालना, जो वार्ड 40 के विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ मुख्य चुनाव कार्यालय पर संपन्न हुआ। मसरत बाबू मस्तान के रोड शो में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ थी। क्या होता है कि पिछले चुनाव में दूसरी पार्टी थे, अब क्या है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं और कैमरा जो है ये अब हमारे पास आ गया है। अब कैमरे का संदेश देने के लिए एक एक गली मोहल्ले के अंदर जाना पड़ रहा है, उनको समझाना पड़ रहा है कि अब हम कैमरे पर खड़े हो गए। मसरत बाबू मस्तान जो है कैमरे पर बटन दबाएं और आपका प्रत्याशी आप अपने पास रखें। नहीं, समर्थन तो पहले से मिलता आ रहा है, आज कोई नया नहीं मिल रहा है। दो किसी पार्टी से नहीं है और उसके बाद समर्थन मिल रहा है। पार्टी से जो होता है वो तो होता होता है, मगर अब तो बगैर पार्टी का है ना। हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि जो आवाम काम को मतलब पार्षद काम करता है, पब्लिक उसके साथ होती है। क्या करेंगे, आग तो लगाएंगे नहीं, विकास ही कराएंगे। ये कुछ मूलभूत समस्याएं बहुत सारी हैं क्या, जो पहले पार्षद में रहने के बाद हो नहीं पाई। एकदम पूरा काम तो होता नहीं है, धीरे धीरे कर। करोना काल ने क्या करा कि हमें 2.5 साल पीछे कर दिया। अगर करोना काल अगर ना होता, इतनी बड़ी समस्या आ गई कि लोगों की आर्थिक स्थिति खत्म हो गई, यूँ मान के चलो। ये दोबारा जो है पूरा हिंदुस्तान जो है अब धीरे धीरे खड़ा होता जा रहा है, एक बीमारियों से मौत मैयों तो से बहुत बुरा झुंझुड़ गया, यानी कारोबार से ख़त्म हो गया। अब धीरे धीरे पटरी पे आ गया है, अब पार्षद बनेंगे तो फिर लोग काम करना शुरू कर देंगे।